तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार है, पीओके और अक्साई चीन पर क्या करना है ये सरकार को तय करना है। पीओके और अक्साई चीन पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की ओर से ये बयान दिया गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर पर हमारा हक है, पीओके अक्साई चीन पर सरकार फैसला लेगी। अक्साई चीन का और पीओके का कूटनीतिक समाधान होगा या फिर कुछ और तरीका होगा ये सरकार को तय करना है। पीओके अक्साई चीन पर हमें जो निर्देश मिलेगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ये बात आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कही है। तो मतलब साफ है कि सेना प्रमुख ने साफ कर दी है ये बात कि पूरा कश्मीर हमारा है। विजय दिवस के मौके पर जनरल की ये हुंकार जहां एक ओर पाकिस्तान और चीन को डराने के लिए काफी है, वहीं दूसरी ओर ये सरकार को अब फैसला करना है क्या सरकार जनरल की सुनेगी। वैसे पीएम मोदी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सेना को हर तरह की छूट दी गई है, सेना को फ्री हैंड दिया गया है। तो क्या अब पीओके में कुछ होने वाला है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब पीओके में भी स्ट्राइक होगी? जम्मू एंड कश्मीर जो है एक स्टेट है। आप सब जानते हैं कि 1947 में महाराज हरि सिंह जो उस समय सदर रियासत थे उन्होंने कश्मीर का सक्सेशन विद इंडिया अक्टूबर 47 में साइन किया था और उसी के तहत भारतीय सेना कश्मीर में तैनात हुई थी और हमने उस समय पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ के बाहर किया था, लेकिन एक उस समय सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस तहत कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो यह है कि भाई पूरा जम्मू एंड कश्मीर पे भारतवर्ष का हक तो है, अब इसको किस तरह से हमने अपने कब्जे में करना है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि क्या वो डिप्लोमेटिकली उस पर कुछ विचार करके उसको हासिल कर सकते हैं या कोई अन्य, अगर कोई उनके मन में विचार है तो वो उस पर विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई जिस तरह के निर्देश दिए जाएंगे उसी तरह से की जाएगी। तो ये आपने सुनी जनरल की हुंकार और कारगिल युद्ध के जीत के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 वर्ष पहले 26 जुलाई 1999 को ही सेना ने कारगिल में जीत हासिल की थी। आज के दिन को राष्ट्र विजय दिवस के रूप में मना रहा है और सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खराब मौसम की वजह से वो कारगिल के द्रास नहीं पहुंच पाए। वहीं सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्रास पहुंचे और मौसम खराब होने से पहले ही कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में बने हुए वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमदाबाद में शहीदों को नमन किया। ये चारों तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और उन शूर वीरों को हमारी ओर से भी शत शत नमन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं।